सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि कल के दिन जो कथा हुई थी ना, उस कथा का विश्राम किस प्रसंग पे हुआ था? याद है किसी को? कल के दिन जो कथा हुई थी ना, उस कथा का विश्राम किस प्रसंग पर हुआ है, किसी को याद है? नहीं याद। कल के दिन जो कथा हुई थी, उस कथा का विश्राम गिरिराज पूजा पर हुआ था। और जैसे ही इस ब्रज में इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज जी महाराज की पूजा कराई ना, तैसे ही इंद्र को महाराज बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उस इंद्र ने इस ब्रज के ऊपर मूसलाधार वर्षा करने के लिए मेघों को आदेश कर दिया। गणम सामर्थकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्रः प्राचोदयात् क्रुद्धो वाक्यं चाहेश मान्युत। महाराज, सांवर्तक नाम के जो मेघ हैं, जो प्रलय काल में वर्षा करने के लिए भेजे जाते हैं, वही मेघों को आदेश कर दिया, जाओ जाकर पृथ्वी पर वर्षा करो। सामर्थक नाम के जो मेघ हैं, उन्होंने आकर के मूसलाधार वर्षा प्रारंभ करी और जो वर्षा को होते हुए देखा, ब्रजवासी जान गए कि ये इंद्र का कोप है। अब तो सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, नंद बाबा को लेकर के सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। अरे लाला, तूने देख पूजा तो बंद करा दी, लेकिन देख अब इंद्र का कोप बरस रहा है, अब इस इंद्र के कोप से तू हमारी रक्षा कर। लाला, तूने पूजा तो बंद करा दी, लेकिन अब तू हमारी रक्षा भी तो कर। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे ब्रजवासियों, जिस देवता ने तुम्हारा इतना सारा भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया है ना, कहते हैं कि 1,25,000 मन सामग्री का भोग लगाया था, अरे जिस देवता ने तुम्हारा 1,25,000 मन सामग्री का भोग लगा लिया, अरे वो देवता केवल भोजन करने के लिए थोड़े है, वही देवता तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। भगवान कृष्ण उन ब्रजवासियों को लेकर के उन्हें गिरिराज जी महाराज की शरण में पहुंचे और जाकर के इन सब ब्रजवासियों को कन्हैया ने खड़ा कर दिया, और खड़ा करके कन्हैया खुद गिरिराज जी महाराज को अपने कनिष्ठ का उंगली के नाखून पर उठा लिए, और कनिष्ठ का उंगली के नाखून पर प्रभु ने उठा करके नख के ऊपर और सारे संसार को ये पाठ पढ़ाया कि संसार में कभी किसी को छोटा मत समझना। क्या पाठ पढ़ाया? कि संसार में कभी किसी को छोटा मत समझना। प्यारे, ये छोटी सी जो उंगली है, उस छोटी सी उंगली में इतनी सामर्थ्य है कि वो गिरिराज जी को धारण कर सकती है, तो कभी किसी को छोटा मत समझो।
रहमन बड़े इनको देख कर लघु नदी जयदार जहां काम आवे सुई का कर सके तलवार। कनिष्ठ का उंगली कौन सी होती है? सबसे छोटी वाली उंगली को कहते हैं कनिष्ठिका। अच्छा उंगली कितनी होती है? उंगली कितनी होती है एक हाथ में? उंगली होती है चार। एक तो अंगूठा है ना, उंगली है चार, और इन चारों के नाम क्या हैं? उंगलियों के नाम क्या हैं? सबसे पहली जो उंगली है इसका नाम क्या है? पहली वाली का, ये जो उंगली है ना लड़ाई करने वाली, हाँ जब कभी लड़ाई हो जाए ना तो ये उंगली बहुत जल्दी निकलती है, इस उंगली का नाम क्या है? इस उंगली का नाम है तर्जनी। क्या नाम है इसका? तर्जनी। और तर्जनी उंगली जब कभी लड़ाई होती है तो हम लोग तुरंत कर देते हैं कि इसने लड़ाई करवाई। ये जो उंगली होती है ना, तो जिस समय हम लोग उंगली कर रहे होते हैं उस समय भी ये हमें पाठ पढ़ाती है। कैसे पाठ पढ़ाती है? जिस समय हम किसी दूसरे की तरफ एक उंगली करते हैं ना, तो बाकी की तीन कहाँ होती है? बाकी की तीन किधर होती है? अपनी तरफ, है ना। ये ध्यान रखना, अगर हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे ना तो हमारे ऊपर तीन उंगलियां तो हमारी उठेंगी। इसलिए कभी भी किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कभी किसी दूसरे को अपमानित करने के लिए उंगली मत उठाओ। महाराज तर्जनी सो वर्जनी, ये तर्जनी उंगली को दूर रखा गया, इसलिए किसी पूजा पाठ में इसको भाग नहीं दिया। इसके बाद में दूसरी उंगली कौन सी होती है? ये बीच वाली, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मध्यमा। क्या नाम है इसका? मध्यमा उंगली। और तीसरी का नाम है अनामिका, जिसके द्वारा हम लोग तिलक लगाते हैं, इस उंगली का नाम है अनामिका। और सबसे छोटी का नाम है कनिष्ठिका। उंगलियों के नाम क्या हैं? पहली का तर्जनी, दूसरी का मध्यमा, तीसरी का अनामिका, चौथी का कनिष्ठिका। भगवान ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गिरिराज जी महाराज को धारण किया और कहते हैं महाराज सभी ब्रजवासियों को उसी गिरिराज पर्वत के नीचे बुला लिया। और सात दिन तक मूसलाधार वर्षा पड़ी। उस मूसलाधार जो वर्षा हुई है उस समय कन्हैया ने उन ब्रजवासियों की रक्षा उस वर्षा से करी। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। और आज भगवान का एक नाम और पड़ा, गिरवर को धारण किया है ना, इसलिए प्रभु का नाम गिरधर और पड़ गया। बोले गिरधर भगवान की जय। आगे महाराज वर्षा के बाद में जब इंद्र ने सात दिन तक लगातार मूसलाधार वर्षा करी और वर्षा का जल इतना है कि पूरा ब्रजमंडल उस जल के द्वारा बह जाए, लेकिन जब सात दिन के बाद में ये इंद्रदेव देखने के लिए आए, मैं जाकर के देखूं ब्रज तो सारा बह गया होगा। जब ब्रज को देखने के लिए आए तो ब्रज के ऊपर जल की एक बूंद तक नहीं, इतना भारी वर्षा का जो जल था वो कहां गया? उस सारे जल का पान कहां किसने किया?
भागवत में तो नहीं बताया, लेकिन देवी भागवत में एक कथा है। इस पूरे चरित्र का पान तो अगस्त्य मुनि ने किया। एक बार माता पार्वती के मन में आई कि मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी, प्रभु जी मेरा मन करता है कि मैं भी किसी ब्राह्मण को भोजन कराऊं। भोलेनाथ बोले, देवी ये जो ब्राह्मण होते हैं ना, ये बहुत खाने वाले होते हैं, तुम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाओगे। ये ब्राह्मण लोग ज्यादा खाने वाले। माता पार्वती बोली, नहीं प्रभु, मुझे तो ब्राह्मण को भोजन कराना है। जब ज्यादा पीछे पड़ गई तो भगवान भोलेनाथ ने कह दिया, देवी तुम्हारी जो मर्जी आए सो करो, मैं तो समाधि लगा के बैठ जाता हूँ। भगवान भोलेनाथ तो समाधि लगा के बैठ गए। अब तो माता पार्वती विचार करने लगी कि मैं ब्राह्मण बुलाकर के भोजन कराऊं, लेकिन ब्राह्मण किसको बुला के बनाऊं, ब्राह्मण किसको बुलाऊं। उसके लिए कैलाशपति भोले शंकर तो समाधि लगा के बैठे हैं, नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज से अपने हृदय की बात को माता पार्वती ने कहा। और जब माता पार्वती ने कहा ना, तो भगवान भोलेनाथ भी जानते हैं कि नारद क्या करने वाले। नारद जी महाराज बोले, मैया आप चिंता क्यों करती हो, आप एक काम करो, आपने मुझसे कह दिया ना, मैं ब्राह्मण को लेके आता हूँ, आप तो बस कल के दिन रसोई बनाकर तैयार रखना। ऐसा ही हुआ। अगले दिन भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर नारद जी महाराज एक ऋषि को लेकर के आए, एक ब्राह्मण को लेकर के आए। और ये ब्राह्मण कौन है? ये ब्राह्मण ऐसे हैं कि दिखने में तो ये बहुत ही दुबले पतले हैं, और इनका नाम है अगस्त्य मुनि महाराज। बोलिए, अगस्त्य मुनि महाराज की जय। दिखने में तो ये बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन ये वही अगस्त्य मुनि हैं जिन्होंने 3 आचमन में पूरे समुद्र का पान कर लिया। भगवान भोलेनाथ ने सोचा, ये भोजन तो करा ही रही है, क्यों ना मैं भी आंख खोल के थोड़ा देख लूं कि भोजन किसको करा रही है। एक नेत्र खोल करके भोलेनाथ ने जो देखा समाधि में से, तो क्या देखते हैं, ये तो अगस्त मुनि बैठे हैं, अब इनकी पार नहीं पड़ने वाली। कैलाशपति भोले शंकर तो समाधि में लग गए। महाराज जान गए, ये कैलाशपति भोले शंकर जान गए कि अब इनकी पार नहीं पड़ने वाली। मैया ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई, प्रेम से भोजन कराने लगी। पहले तो अगस्त मुनि धीरे धीरे भोजन करने लगे, और जब भोजन करते चले गए तो धीरे धीरे उनकी जो गति है ना, वो तीव्र होती गई। और अब तो ऐसी तीव्र हुई कि अब तो मैया जो पात्र लेकर के आती है ना, खीर लेके आए तो खीर के पात्र को मुंह से लगाएं, खाली करके दे दें, ले आओ। अब तो मैया जिस पात्र को लेके आए, भगवान अगस्त मुनि उसी पात्र को मुख से लगा करके खाली करके देते। ऐसा भोजन हुआ कि 17 दिन और 17 रात तक निरंतर भोजन चलता रहा। और जब 17 दिन और 17 रात तक भोजन होता रहा ना, तो उस समय मैया का जो भंडार था वो खाली होने लगा। 17 दिन के बाद में अब तो मैया के पास में ज्यादा भोजन व्यवस्था भी नहीं, अब तो मैया घबराने लगी। अरे ब्राह्मण को अगर भोजन कराओ तो पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर ब्राह्मण को असंतुष्ट छोड़ दो, है ना, संतुष्ट नहीं हो पाए, भोजन आधा हुआ और आधा में ही और छोड़ दिए जाए, असंतुष्ट छोड़ दिए जाए, तो महाराज एक कहावत है ना कि भूखा ब्राह्मण जो है वो बैरी हो जाता है। अगर भोजन नहीं करा पाई तो माता पार्वती को श्राप मिल जाएगा।
अगर हम भोजन करा रहे हैं तो पेट भर के कराएं, लेकिन यहां तो माता पार्वती का जितना भंडार था वो पूरा का पूरा भंडार खाली हो गया। और भंडार के खाली होने पर भी अगस्त मुनि महाराज का पेट नहीं भरा। मैया ने कहा क्यों ना मैं भगवान भोलेनाथ को जगा करके उनसे कहूं, लेकिन जान गई अगर मैंने भगवान कैलाशपति भोले शंकर को जगाया तो वो तो पहले से मुझसे मना कर रहे थे, कह देंगे अब भुगत। लेकिन मैया को तो अपना धर्म बचाना है, इसके लिए मैया ने भगवान भोलेनाथ को याद नहीं किया, नारायण भगवान को याद किया। नारायण भगवान उस समय कैलाश पर आए, आकर कहने लगे देवी बहुत जोरों से भूख लगी है, तुम थोड़ा मेरे लिए भोजन लेके आओ। हाथ जोड़ करके माता पार्वती कहने लगी प्रभु जी अगर मेरे पास में भोजन होता तो मैं फिर आपको क्यों बुलाती, अरे मेरा तो पूरा का पूरा अन्नपूर्णा भंडार खाली हो गया, अब मेरे पास में भोजन की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए तो मैं आपको पुकार रही हूं। नारायण भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, एक काम करो पार्वती जितना भी थोड़ा बहुत बचा हो ना, कुछ नहीं बचा हो तो जो वो बर्तनों में चिपका हुआ हो उसी को ले आओ। मैया बर्तनों में से छोड़ा छुड़ा करके चिपका हुआ थोड़ा सा एक पत्थर पर लाकर रखा और अगस्त मुनि के बगल में उनको बिठा दिया। अब तो अगस्त मुनि के साथ में बैठ करके प्रभु जी ने एक ग्रास भोजन किया और एक ग्रास भोजन करके वही जल पीकर हाथ धो दिए। और जहां पर संतों की और ब्राह्मणों की पंक्ति लगती है, भोजन होता है, वहां का एक नियम होता है, वहां पर अगर कोई एक हाथ धो दे ना तो सबको वही भोजन छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो प्रभु जी ने थोड़ी चालाकी कर दी, यहाँ तो प्रभु जी ने भोजन करके हाथ भी धो दिए और दो चार झूठे छींटे अगस्त मुनि में भी मार दिए, महाराज अब तोड़ जाओ। अगस्त मुनि से प्रभु ने कहा अब तोड़ जाओ। अगस्त मुनि बोले नारायण तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे जल तो पी लेने दो। भगवान कहते हैं भैया जिसने इतना सारा भोजन कर लिया वो पता नहीं जल कितना पिएगा। कहने लगे प्रभु अब तो मैं आपको जल द्वापर युग के अंत में ही पिलाऊंगा, जिस समय इंद्र कोप करेगा ना तो आप एक काम करना उस समय आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर आकर बैठ जाना और आप उस सारे वर्षा के जल का पान कर लेना। उस पूरी वर्षा के जल का पान तो अगस्त मुनि महाराज ने किया। बोलिए अगस्त मुनि महाराज की जय। जयकार ऐसे ही बोलते हैं क्या है? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि कल के दिन जो कथा हुई थी ना उस कथा का विश्राम किस प्रसंग पे हुआ था? याद है किसी को?